सृष्टि के आदिकाल से हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के दो बड़े काम थे, एक शिक्षा का, दूसरा स्वास्थ्य का। हम जितने भी ऋषि मुनियों के नाम लेते हैं, गौतम, कपकणाद, जैमिनी, विश्वामित्र, पतंजलि, वशिष्ठ, पाणिनी, माने एक लंबी श्रृंखला ऋषि मुनियों की, हजारों हजारों ऋषि मुनि हुए, उनका अधिकांश का संबंध रहा शिक्षा से। फिर एक लंबी श्रृंखला है, महर्षि चरक हैं, सुश्रुत हैं, धन्वंतरी हैं, एक लंबी परंपरा है फिर आयुर्वेद के निष्णात ऋषियों की। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो काम हमारे पूर्वज ऋषि मुनि करते थे। तो यदि हम उसको परंपरा से कहें तो माना कि उपचार की पद्धतियां, चाहे आप आज आयुर्वेद के माध्यम से उपचार कर रहे हैं, आप योग के माध्यम से उपचार कर रहे हैं, एलोपैथ के माध्यम से उपचार कर रहे हैं, या होम्योपैथ के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इसके मूल में आप जाएंगे तो पाएंगे आप एक ऋषि परंपरा के संवाहक हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व है इसमें। प्राचीन शास्त्रों में भी चिकित्सा की एक बहुत श्रेष्ठ परंपरा रही, उसकी गरिमा रही है। गरीब व्यक्ति से चिकित्सा के लिए शुल्क नहीं लेना, इसको अभी भी निभाते हैं बहुत से हमारे वैद्य, कि गरीब व्यक्ति से परामर्श शुल्क नहीं लेना, अपना फीस छोड़ देते हैं। और आप में से बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं, चाहे वो एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या होम्योपैथ की, आयुर्वेद की, उनके पास सैंपल की दवाइयां आती हैं। उसमें से काफ़ी डॉक्टर्स तो मैंने देखा, वो सैंपल की दवाइयां उनको बेचते हैं ही नहीं, उनको जो भी सैंपल की दवाइयां आती हैं उन गरीब लोगों को दिला देते हैं। और कई बार देखा कि बहुत गरीब रोगी आया है तो उसके पास में दवा के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसको दवा के लिए भी पैसे उपलब्ध करा देते हैं। अनावश्यक दवा लिखना, अनावश्यक ऑपरेशन करना, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो सोच भी नहीं सकते वैसा करना। या गर्भ में पल रही बेटी का कत्ल करना, ये तो चिकित्सा का अपराधीकरण, या जो है चिकित्सा उनके लिए का व्यवसायीकरण, यह उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। वो तो और ज़्यादा अच्छा सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम भला कर पाएं। इस युग में यद्यपि सर्वत्र मूल्यों का पतन हुआ है, लेकिन इस पतन के काल में भी पूरी पवित्रता से अपने चिकित्सक के धर्म को निभाने वाले वैद्यों की, चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की कमी नहीं है। दवा और हथियार, ये दो बड़े व्यवसाय हैं पूरी दुनिया के अंदर। अभी यद्यपि इसके पूरे आंकड़े कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हथियार भी दो नंबर में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, या आतंकवादियों के पास जितने भी हथियार हैं सब दो नंबर के हैं। और मुझे लगता है कि जितने दुनिया के फौजों के पास हथियार हैं उतने तो नहीं कह सकते, लेकिन अपराधियों के पास भी हथियार कम नहीं है। और जितने नंबर एक में दवाइयाँ बिकती हैं, नंबर दो में जो दवाइयाँ बिकती हैं, नकली दवाइयाँ जितनी बिकती हैं, कुल मिलाकर के एक अनुमान के अनुसार करीब 50 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष दवाओं का उद्योग है, और करीब 50 लाख करोड़ रुपए का हथियारों का व्यापार है। एक व्यापार है सुरक्षा के लिए, वो हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, वो गोली अपनी हिफाजत के लिए है। ऐसे ही ये मेडिकल साइंस में भी एक गोली है जो अपनी हिफाजत के लिए है, और एक गोलियां वो हैं जो दूसरों के जीवन पर प्रहार कर रही हैं, उनसे लोगों की हत्या ही हो रही है। विदेश के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, और केवल इतना ही नहीं, अनावश्यक रूप से विटामिन्स, अनावश्यक रूप से फूड सप्लीमेंट्स, अनावश्यक रूप से दवा, फूड सप्लीमेंट्स और विटामिन्स अलग, अनावश्यक रूप से कुछ दवा जिन जो गैर जरूरी है उनका विक्रय। और कई बार तो बहुत से चिकित्सक अपने धर्म को भूल करके किसी कंपनी के एजेंट की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं।
यह पतन केवल एलोपैथ में नहीं आयुर्वेद में भी हुआ है। हम स्वयं जब अपने यहाँ संस्थान में वैद्यों को प्रशिक्षण देते हैं उस समय कहते हैं अब पतंजलि योगपीठ की, पतंजलि आयुर्वेद की, दिव्य फार्मेसी की कितनी दवा बेचते हैं ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि रोगी 25 रुपए की दवा से अच्छा हो सकता है, 50-100 रुपए की दवा से अच्छा हो सकता है, तो उसको 500 और 1000 रुपए की दवा कभी भी मत लिखना। और पहले ही दिन प्रशिक्षण में इस बात को कहा जाता है। तो आज कि जो दवा जिंदगी देती है यदि उसका ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है तो वह मौत दे सकती है, तो अच्छी दवा के बारे में भी आता है। लेकिन गैर जरूरी दवाइयां देकर के मौत का व्यापार एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर कितनी दवाइयां जरूरी हैं, कितनी दवाइयां गैर जरूरी हैं, जिनको हम खाली अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जिनको हम देते रहते हैं। और लोग तो ना समझ है, नादान है, उनको तो पता भी नहीं है। डॉक्टर साहब 5 दवाइयाँ लिख देंगे तो 5 खाएगा, 10 लिख देंगे तो 10 खाएगा। ये तो हमारे ऊपर हमारा दायित्व तो बनता है कि जो हमें भगवान मान के आया है, हमें जीवनदाता मान करके आया है, हम उस अपने दायित्व को कितना निभा पा रहे हैं। हमें चिकित्सा के संदर्भ में इस पर किस तरह से अपने दायित्वों को पूरा निभाना है और इस बेबसी से इस देश को बाहर निकालना है और जो मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनको किस तरह से हम निभा पाएं, इसी व्याख्यान के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे भारत देश में आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 10 करोड़ रुपए की दवाएं देश में इस्तेमाल होती थी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आज़ादी जब आई इस देश में तो मात्र 10 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होती थीं। आज़ादी आने के लगभग 4-5 वर्षों के बाद 1952 तक आते आते 70 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होने लगीं। फिर पंचवार्षिक योजना पूरी हुई 1957 के आते आते इस देश में 110 करोड़ की दवाएं इस्तेमाल होने लगीं। फिर दूसरी पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना, अभी होते होते हमारे देश में करीब 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हुई हैं। और अब हमारे देश की सरकार बोलती है कि 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं बाज़ार में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारी सरकार का ये कहना है कि ये 40,000 करोड़ का जो व्यापार है दवाओं का, ये वो है जिसके बारे में सरकार को जानकारी है, जिसके बारे में हमारे देश की संस्थाओं को जानकारी है। माने ये सफ़ेद व्यापार है, ये वाइट मनी का पैसे का व्यापार है। और अगर इसमें ब्लैक वाला जोड़ दिया जाए जिसके बारे में सरकार को भी पता नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये कुछ भी हो सकता है, आंकड़ा 80,000 करोड़ हो सकता है, 1,00,000 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे देश के बारे में, आज़ादी के बाद पिछले 63 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई विशेषज्ञों के दल गठित किए गए थे और हर एक विशेषज्ञों के दल को ये कहा गया था कि भारत देश की ज़रूरतों के अनुसार ये बताएं कि कितनी दवाएं बहुत ज़रूरी हैं इस देश के लोगों को। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन, उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है। एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में, बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में और इस बात की जांच कराई गई कि बाज़ार में जो दवाएं बिक रही हैं इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता, जीवन रक्षक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी, सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें 117 दवाओं के नाम दिए गए
और ये कहा गया कि ये 117 दवाएं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत काम की हैं, इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, ये तो बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को ये निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें, अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इन 117 दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की हैं, वो सरकार ने तय नहीं की थी, हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। फिर क्या हुआ, जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया और दवा बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी ना माने, लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ये पता चला कि 117 दवाएं बहुत ज़रूरी हैं, भारत की जलवायु के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, यहाँ के लोगों को होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनके अनुसार। आपको सुन के हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर सबसे ख़राब बीमारियां जो हमारे यहाँ मानी जाती हैं, जिनको जानलेवा बीमारी हम कहते हैं, जैसे कैंसर है, तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं 117। सरकार ने फिर एक कानून बना दिया इस देश में कि जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से, उसके ऊपर पहले से ये एक ऑब्लिगेशन होगा, पाबंदी होगी कि इन 117 दवाओं का उत्पादन उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी। तो ज़रूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ, कानून की मदद से, कानून के माध्यम से, और धीरे धीरे भारत के लोगों को ज़रूरी दवाएँ उपलब्ध होने लगी। आज़ादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवार्षिक योजना के पूरा होने तक ज़्यादातर ज़रूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी, विदेशों से आती थी, लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएँ हो गईं, जो बहुत ज़रूरी थी। फिर हमारे बाज़ार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया। हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई। पहले हमारे यहाँ नीति यह हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए, देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए, स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में, क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया, अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतज़ार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले, कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सकें। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएँ, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं।
बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ीं वैसे वैसे दवाएं बढ़ीं। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाज़ार में आईं और उन्होंने बाज़ार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं, ऐसी दवाओं का पूरा बाज़ार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे देश की सरकार का ये कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं, और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों तो किसी भी डॉक्टर को ये चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ, तो WHO के विशेषज्ञों का ये कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है, अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियाँ आ गई हैं तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भारत सरकार ने WHO के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए, एक दूसरी सूची बना दीजिए जो भारत की आज की ज़रूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो, जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की। इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें 117 दवाएं हैं, उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया, तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर 450 हो गई है। माने भारत की बीमारियों के लिए, भारत के मरीजों के लिए, भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो ज़रूरत है हमें वो 450 मात्र हैं। माने 450 दवाओं में सर्दी खांसी जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। और WHO के विशेषज्ञों का ये कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सभी इलाकों में। इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है, एपिडेमिक्स इसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग 150 बीमारियाँ हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियाँ हैं, सर्दी खांसी जुकाम जैसी साधारण हैं। इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए 450 से ज़्यादा दवाओं की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो WHO की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 450 दवाएं चाहिए। भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 117 दवाएं काफ़ी हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो 450 दवाओं से ज़्यादा इस देश को अब ज़रूरत नहीं है। अब इस देश में 84,000 फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर, लेकिन ये बिक रहे हैं। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है 450 से ज़्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए, फिर बाज़ार में 84,000 दवाएं क्यों हैं, तो ज़्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए भारत में कुछ भी हो सकता है, यहाँ भ्रष्टाचार करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का, कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है, और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं, खराब कुछ करती ही नहीं है, इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं, उस चक्कर में 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रही हैं। ध्यान इस बात का दें
कि मात्र 450 की ज़रूरत है और 84,000 फॉर्मुलेशन बाज़ार में हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं, इर्रेशनल दवाएं, इर्रेलीवेंट दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हज़ारों लाखों चिकित्सक हैं, और वो कड़ी क्या है, ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाज़ार में उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है। अगर चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाएं तो आसानी से वो बिक नहीं सकती हैं। तो इन कंपनियों को दवाओं के बिज़नेस में हज़ारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, किसी भी व्यापार में हज़ारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते। अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10, 15, 20 से लेकर 50, 60 प्रतिशत तक, बहुत अधिक तो 100 प्रतिशत तक। चांदी का व्यापार करें, प्लेटिनम का व्यापार करें, कोयले का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, स्टील का व्यापार करें, हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं, मेटल हैं, उनका व्यापार करें, किसी भी व्यापार में 10, 20, 50 प्रतिशत से लेकर 100, 200 प्रतिशत के मुनाफे होते हैं। लेकिन ये दवाओं का व्यापार, इसमें मुनाफे 10, 20, 50 प्रतिशत में नहीं होते, 20, 20 हजार प्रतिशत में होते। दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम लेके कहूं, एक फाइजर नाम की कंपनी है, एक रोश नाम की कंपनी है, वरो बेलकम नाम की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथलाइन बीचम नाम की कंपनी है, ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में, ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब निकाला तो पता चला कि किसी भी दवा कंपनी का मुनाफा 20,000 प्रतिशत से तो कम नहीं है। 20,000 प्रतिशत के मुनाफे। जो मूल दवा होती है जिसको आप बेसिक ड्रग कहते हैं, वो बहुत सस्ती होती है। जब उसके फॉर्मुलेशन तैयार होकर बाजार में आते हैं तो 20,000 प्रतिशत मुनाफा तो बहुत सामान्य बात है, उस पर वो बिक जाते। मूल दवा हो सकता है 100 रुपए किलो की हो, मूल दवा हो सकता है 200, 250, 300 रुपए किलो की हो, लेकिन उससे तैयार फॉर्मुलेशन की एक एक टैबलेट बाजार में 20, 25 रुपए से लेके 200, 500, 1000 रुपए तक बिक जाएगी। इतना बड़ा धंधे का मुनाफा, माने इतने बड़े मुनाफे का ये धंधा है दवाओं का। और इस मुनाफे के धंधे में उत्पादक कंपनियों को जब 20,000 प्रतिशत का लाभ है तो वो उस लाभ का फिर बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट को वो बंटवारा जाता है, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सक हैं उनके पास भी कुछ हिस्सा पहुंचता रहता है, ताकि आप उनकी दवाएं लिखते रहें, ताकि उनको वो सब दवाएं बेचकर मुनाफा होता रहे। और इस तरह से ये सारा रैकेट तैयार हो जाता है। अब इस पूरे रैकेट में जो पिस रहा है वो साधारण आदमी है, गरीब आदमी है। भारत जैसे देश के बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय 115 करोड़ लोगों का देश है। 115 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है। जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की आमदनी एक दिन में कर पाते हों, वहाँ के लोगों को दवाएं बेचना, और वो भी महंगी दवाएं बेचना, ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं। यहाँ की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर, कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हों, लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है। महंगी से महंगी दवाएं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35% लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में है, माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो आपके पास आ सकते हैं, आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35% लोग हैं। 65% लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं, और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वो ओझाओं के पास जा रहे हैं, झाड़फूँक करने वालों के पास 65% लोग जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है, मजबूरी का मामला है।
क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है, और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी कॉमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है। ज़रूरत की दवाएं 450 और फॉर्मुलेशंस बिक रहे हैं 84,000। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए, संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज़ बनाई गईं, स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई गईं, स्टीयरिंग कमेटीज़ बनाई गईं इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए, और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला। कई बार संसद में ये हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं, तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है, वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, स्टीयरिंग कमेटी हो सकती है, दो चार साल वो रिसर्च करती है, आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज़्यादा हैं, गैर जरूरी दवाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो अब इनको ख़त्म कैसे किया जाए, कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है, एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं। कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का, बेकार की दवाओं का व्यापार करती है तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है। कई बार तो ये देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास, और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया, जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया, पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कैसी सेटिंग हो गई। तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा, भ्रष्टाचार का लेवल उतना ऊंचा, उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक ही रास्ता बचता है, जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए, यही एक अभीष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया। हमारे देश में जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं, जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया, आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश, बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज़्यादा हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है, इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि वहाँ फालतू की गैर जरूरी दवाएं और ख़तरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाज़ारों में। मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाज़ार में, वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाज़ार। जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाज़ारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर, उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाज़ार। एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटा सा देश है, भारत के एक शहर के बराबर का देश है, उसका नाम है ब्रूनेई। वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, राजाशाही है। दुनिया में अभी भी कई देश हैं जहाँ पर राजा होता है, ब्रूनेई नाम का एक छोटा सा देश है वहाँ राजाशाही चलती है। भारत में शायद हरिद्वार जिला ब्रूनेई से बड़ा होगा। तो ब्रूनेई जैसे देश ने अपने नागरिकों के लिए कानून इतना सख्त बना रखा है कि वहाँ कोई भी कंपनी गैर जरूरी दवा नहीं बेच सकती, फालतू दवा नहीं बेच सकती, खतरनाक दवा नहीं बेच सकती। तो जो दवाएँ ब्रूनेई में बंद हैं, नेपाल में बंद हैं, बांग्लादेश में बंद हैं, ट्रिनिडाड टोबैगो में बंद हैं, अफ्रीका के कई देशों में बंद हैं, लैटिन अमेरिका के देशों में बंद हैं, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सालों से बंद हैं, वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हजारों करोड़ रुपए का उनका मुनाफा है उन दवाओं का, और लोग उनको खा रहे हैं और मौत की नींद में सोते चले जा रहे हैं।